Welcome to my YouTube channel. I'm Amir Shahzad from RoshanTechEsite.pk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main ek aur recording ke saath hazir hoon. मेरी कुछ रूटीन बनी हुई है सुबह के वक्त वॉक करने की और मैं वॉक करता हूँ। तो इसमें कल का दिन रह गया था और उसमें मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो क्या पता आप में से किसी ने नज़र लगाई हो। तो इसलिए अगर मेरी वीडियोस देखें या सुनें और काम अच्छा लगे तो माशाल्लाह ज़रूर कहें। तो पिछले कुछ वीडियोस से मैं प्रोग्रामिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग को मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा दिलचस्प इसमें प्रोग्रामिंग है। तो मैं इसलिए आज फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करता हूँ। लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो थी उसमें चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, और तो ये बात तो समझने वाली है कि प्रोग्रामिंग हिट एंड ट्राई की तरह है। चीज़ें आप ट्राई करते हैं, एक चीज़ ट्राई करते हैं नहीं काम होता, फिर दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, तीसरी, और जब तक आपका काम नहीं होता तब तक आप ट्राई करते रहते हैं और मुख्तलिफ अप्रोचेस के साथ काम करते हैं। कुछ अगर मालूमात की कमी है तो सर्च आउट करते हैं। तो इस तरह ये डेवलपमेंट होती है। तो ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। फ्री वाइड डेवलपमेंट के नाम से एक मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है। अगर आपको इस वीडियो में या पिछली वीडियोस में कोई भी बात समझ नहीं आई है या वैसे आपका कोई एक सवाल है कि ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, क्या इसमें प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, लॉजिक्स किस तरह बिल्ड की जाती हैं, तो आप बिला झिझक मुझे इनबॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। क्योंकि ग्रुप में एडमिन के अलावा और लोगों को लिखने की इजाज़त नहीं है। उसकी वजह यह है कि फिर कुछ लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा जब ग्रुप में मैसेजेस आए तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो इस चीज़ से तंग होते हैं। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि मुझे आप कोई भी सवाल है इनबॉक्स करें और ऑडियो में अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, या अगर लिख के कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ऑडियो में भेजें और मैं भी इंशाल्लाह आपको ऑडियो में जवाब दूँगा, और अगर वो कोई कारामद बात होती है तो फिर उसको मैं इंशाल्लाह ताला सारी जो कन्वर्सेशन है उसको इंशाल्लाह ताला ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो उससे फिर यह कि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो चले प्रोसेस एक हो गया। तो इसमें मैंने देखा है कि मेरी बहुत से स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, नए पुराने, जो पुराने हैं उनके साथ बात होती है तो उसमें ये चीज़ देखने में आती है कि लड़कों ने या लड़कियों ने
मज़मून प्रोग्रामिंग के मज़ामीन पढ़े होते हैं, लेकिन उनको अमली तौर पे इसको करने में मसला आता है। तो उसमें जैसे मैं पिछली जो वीडियोस हैं उसमें भी यही बात करता रहा हूँ कि उनको बेसिक चीज़ें आती हैं, इफ़ का पता है, लूप्स का पता है, या डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अमली तौर पे वो काम नहीं कर सकते। और उसमें वो ये एक बुनियादी गलती करते हैं कि किसी अपने दोस्त यार से असाइनमेंट्स लेके वो हल कर लेते हैं, उसमें कोर्स वर्क तो वो पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, जीपीए भी अच्छा हो जाता है, लेकिन उनको अमली तौर पे प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती। एक्सक्यूज़ मी। तो उसमें छोटी सी भी आप अगर फिर कोई एक्टिविटी कराएं ऐसे लोगों से तो वो उनसे नहीं हो पाती। तो उसकी वजह यही है कि वो प्रोग्रामिंग उनको नहीं आती। सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है, उनको ये पता है इफ कंडीशंस होती हैं, लूप्स होते हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम बताया गया उसको कैसे हल करना है ये उनको समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि आपके भले नंबर कम आ जाएं, आप ये जो सीखने वाला काम है प्रोग्रामिंग खास तौर पर, इसमें चीटिंग ना करें, इसमें आपसे असाइनमेंट नहीं होती ना करें। नंबर कम आते हैं बेशक कम है, हद तक के सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो भले फेल होंगे, आप उसमें सीखने वाला काम ना छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम। वरना ये होगा कि आपके जो कोर्स वर्क में पैसे लगे हुए हैं वो भी आपके एक लिहाज से डूब जाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ करनी नहीं आई, प्रोग्रामिंग करनी नहीं आई, तो आपके जो कोर्स में जितने भी पैसे लगे हुए हैं, डिग्री कर रहे हैं अगर या स्कूल में हैं तब भी या ICS कर रहे हैं तब, तो उसके लिए ये है कि आप खुद से कोशिश करते रहें, भले ज़्यादा टाइम लगे, थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, लेकिन आप खुद करें। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें इनबॉक्स, मैं इंशाल्लाह ताला उसका सलूशन आपको अगर मुझे पता हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसी वजह से ये मैंने वैसे तो मैंने जो ये वन और टॉक का जो प्रोग्राम शुरू किया है इसमें कोई टॉपिक मखसूस नहीं किया हुआ, इसमें हो सकता है मैं आगे और चीज़ों पे भी डिस्कशन करूं, लेकिन ये जो मज़मून है प्रोग्रामिंग वाला, एक तो इसमें मेरी दिलचस्पी है और दूसरी बात यह कि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को इस चीज़ में मसला भी है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पे मैं रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि मेरा तो ये तकरीबन एक घंटा इस्तेमाल होना है, और इसमें अगर आप में से किसी का फ़ायदा होता है तो मुझे खुशी होगी। तो चलें फिर आगे मज़ीद बात करते हैं कि लास्ट टाइम हम नेस्टेड लूप्स के ऊपर बात कर रहे थे, यानी एक लूप लगा हुआ है और उसकी बॉडी के अंदर एक और लूप। चलें, अस्सलाम वालेकुम। तो एक जिस तरह हम एक सिंपल अकेले लूप वाला प्रोग्राम करते हैं तो ये इसकी नस्बत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि
सिर्फ जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम है वो नेस्टेड लूप तक ही होंगे। तो ये इसका इनसार इस चीज़ पे है कि आपके जो आपको टास्क मिला है या जो चीज़ आप जो डेवलप कर रहे हैं वो कितनी कम्प्लेक्स है। तो बॉडी का जिस तरह मैंने आपको बताया कि कर्ली ब्रैकेट्स, फंक्शन की भी बॉडी होती है, लूप्स में भी कर्ली ब्रैकेट्स लगती हैं और हम इसमें बॉडी बनाते हैं। इफ कंडीशन में भी इसी तरह कर्ली ब्रैकेट्स लगती हैं और उसकी हम बॉडी बनाते हैं। ये चलिए मैं एक जनरल बात करूँ, अमूमन जो सी लैंग्वेज है, जावा है, PHP, तो सी शार्प में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ये ऐसे ही है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में ये कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं होती बॉडी बनाने के लिए। तो जोन से भी आपका तरीकाकार है, तो उसकी जो बॉडी है आपकी लूप की या इफ की या फंक्शन की, उसके अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके ये नेस्टिंग हो सकती है। लेवल 1 पे भी हो सकती है, यानी आउटर आपका एक लूप चल रहा है और उसके अंदर आपके लूप्स चल रहे हैं, एक भी हो सकता है अंदर इंटरनल लेवल 1 पे, 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, आपकी वो रिक्वायरमेंट पे इस चीज़ का निसार है। फिर आगे और उसकी लेवलिंग भी और भी हो सकती है, यानी अभी तो हम कह रहे हैं कि नेस्टिंग एक लेवल पे है। तो मिसाल के तौर पे जो आपका मेन लूप है, आउटर सबका पेरेंट लूप कह लें, उसके अंदर आपने एक और इंटरनल लूप लगाया है, तो उसकी बॉडी के अंदर आप एक और लूप लगा देते हैं, तो ये भी मुमकिन है। और इस तरह नेस्टिंग भी जितनी मर्ज़ी आपकी या ज़रूरत है उस तरह आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का सारे का इनसार आपकी रिक्वायरमेंट्स पे है। तो ये तो चलो अभी हम तो बात कर रहे हैं कि छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं कि असाइनमेंट्स हैं जैसे क्लास में मिलती हैं, या सीखने के लिए हम आसान चीज़ों से शुरू करते हैं ताकि आप वो चीज़ें बना भी सकें, समझ भी सकें, और फिर उससे आपको इत्माद भी मिलता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल चीज़ें भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप अमली तौर पे किसी कंपनी में काम करेंगे या अपने ख़ुद का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें आपको जो भी क्लाइंट है उससे आप रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन कहते हैं। क्या क्या चीज़ होगी, कौन से मॉड्यूल होंगे, अगर कोई एक उसमें पेज है तो वो कैसे काम कर रहा होगा, इस तरह सारी तफासील आप अपने क्लाइंट से लेते हैं, और फिर आप इसमें बेहतर केस तो ये होता है कि आप क्लाइंट से सिग्नेचर लें कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और मैंने ये चीज़ डेवलप करके देनी है। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करते तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है कि क्लाइंट आपसे फिर ये कहता है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, आपने नहीं की है, तो आपके पास उसको कन्विंस करने के लिए कोई चीज़ नहीं कि जी हमारी ये चीज़ डिसाइड हुई थी। तो मिसाल के तौर पे जैसे अगर आपके पास एक कोई क्लाइंट आता है जी मुझे सेल का सिस्टम बना के दें, तो आप शुरू कर देते हैं बनाना, लेकिन आपकी चीज़ें उसमें तय नहीं हुई, तो सेल सिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत कम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसके ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस, और बहुत छोटा सा भी हो सकता है। तो इस वजह से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और दोनों पार्टीज में आप यानी कि डेवलपर और क्लाइंट इस चीज़ पे एग्री हों, वो फिर आपको पैसे देंगे, वो जैसे भी है कि आप शुरू में पैसे लेते हैं
फुल लेते हैं, आधे लेते हैं या सारे पैसे बाद में लेते हैं। तो जिस तरह भी पिछली वीडियोस में भी ये बात हुई है कि आपको जो भी असाइनमेंट की स्टेटमेंट दी जाती है उसको ध्यान से पढ़ें, उसी को पढ़ने से ही आपको पता लगता है कि इसमें सीक्वेंस क्या होगा, प्रोग्रामिंग का कंडीशंस कितनी लगेंगी, कहाँ लगेंगी, लूप्स कितने लगेंगे, ये सारी के सारी जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, असाइनमेंट है, उससे पता लगता है। इसी तरह फिर आप जब क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स देख के आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अहम बात यह है कि उसको ध्यान से पढ़ें, आपको वहीं से चीज़ मिलेगी। तो कुछ चीज़ें ये होती हैं कि वो खुद से ड्राइव करनी पड़ती हैं, यानी उसमें बराह रास्त लिखा नहीं होता, लेकिन जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको समझ आ जाती है। जिस तरह अगर सेल का सिस्टम है तो उसमें एक आपका मेन ऑर्डर होता है और फिर एक चीज़ होती है ऑर्डर डिटेल, या उसमें ऑर्डर लाइन, यानी ऑर्डर तो आपका एक मेन चीज़ हो गई है, ठीक है, उसमें डेट आ जाती है, टोटल अमाउंट आ जाती है, तो ऑर्डर के अंदर क्या क्या आइटम्स हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो ये ऑर्डर डिटेल अमूमन इसको बोलते हैं। तो अगर टेबल्स के हिसाब से बात करें, एक ऑर्डर का टेबल बनेगा और एक ऑर्डर डिटेल का बनेगा। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे तो आपको ये नहीं पता लग रहा कि ऑर्डर डिटेल का आपको टेबल बनाना पड़ेगा, वो फिर आपको जब डेवलपमेंट करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरह मैंने कहा है कि डेवलपमेंट आपको हिट एंड ट्राई आप करते रहते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें आपकी हो जाती हैं, नहीं होती तो फिर आप कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका अपना कोड है या किसी और का कोड है, कि कोई अगर एरर आ जाता है, सिंपल एरर है या लॉजिकल एरर है या वार्निंग है या रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, तो आपको डीबगिंग करनी आनी चाहिए। तो डीबगिंग, वैसे अगर हम इसका तर्जमा करें तो कीड़े मारना, यानी उसमें से सॉफ्टवेयर से खराबियाँ निकालना। तो खराबियाँ आप कैसे निकालेंगे, पहले आप उसको ट्रेस कर सकते हैं तो फिर ही उसके बाद ही निकाल सकते हैं। तो आपकी ये जो स्किल है डीबगिंग की, ये आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि आप खुद भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको, अगर वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है तो कंपाइल करते हैं तो कुछ इश्यूज, अमूमन जो सिंटैक्स के इश्यूज होते हैं वो आपको कंपाइल करने से पता लग जाते हैं और उनको फिक्स करना भी आसान होता है। लॉजिकल एरर्स जो होते हैं उनको फिक्स करना मुश्किल होता है। तो इसमें मैं चलें थोड़ी सी आपसे ये चीज़ शेयर करता हूँ कि जो सिंटैक्स एरर हैं उस पर क्या चीज़ आपने नोट करनी होती है। तो जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो आपको लाइन नंबर बताया जाता है कि किस लाइन में इशू है। अगर तो सचमुच उसी लाइन में इशू है तो इसको फिक्स करना काफ़ी आसान है। अमूमन लोग सेमी कॉलन भूल जाते हैं सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस, जावा या सी शार्प, इन लैंग्वेजेस में लाइन के एंड पे, स्टेटमेंट के एंड पे, लाइन के एंड पे तो नहीं कह सकते, स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन होना चाहिए। तो बाज बंदे ये समझते हैं कि जो लाइन नंबर बताई जा रही है उसी के ऊपर इशू है, तो कभी कभी ऐसे नहीं होता।
इशू एक लाइन या चंद लाइन ऊपर होता है जिसकी वजह से वो नीचे इशू आ रहा था। तो इस वजह से ये चीज़ ध्यान में रखें, जो ऊपर चंद लाइनें वगैरह हैं वो भी साथ में चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। तो चलें, ये सिंटैक्स एरर तो आसान है, तो लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम या उसको रन करते हैं तो बज़ाहिर कोई एरर नहीं आता, लेकिन जब आप उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, कोई रिपोर्ट चेक करते हैं या एंड रिज़ल्ट देखते हैं तो वहाँ पे रिज़ल्ट वैसे नहीं आ रहा होता, गलत आ रहा होता है। इसके लिए फिर पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो इस तरह के एरर्स को निकालना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन जारी बात नहीं होता है। उस स्टेप पे बता देते हैं, तो ये जो पॉइंट्स आप डिफाइन करते हैं उसमें ब्रेक पॉइंट के नाम से कोई कोई ऑप्शन हो वो आप सर्च कर लें, जो भी आपकी आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या तरीका है ब्रेक पॉइंट्स बनाने का। इसमें डिबगिंग के हवाले से कम्प्लेक्स अगर कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज्यादा नहीं होते, तो आप रिजल्ट बहुत आ रहा है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आ रही है जैसे आप वैल्यू इनको क्लियर हैं। तो बाजू का होता है कि आपने वेरिएबल की टाइप ही गलत रखी है, उससे भी रिजल्ट फर्क पड़ जाएगा। स्टोर क्योंकि वो नहीं होगी, एक मिसन स्ट्रिंग आपने पांच करेक्टर की बनाई है नेम के लिए, लेकिन जो यूज़र नेम एंटर कर रहा है वो सात करेक्टर है, वो फिर आप जब एग्जाम को रन करेंगे जाते हो, लेकिन स्टोर वो पांच ही करेक्टर कर रहा है, जब आउट टाइप करते हैं वो पांच करेक्टर ही आएंगे, तो वो चीज़ आपको तंग करेगी। तो भास्कर उसकी टाइप भी चेक करने की जरूरत है। ब्रेक पॉइंट्स का इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको अपने सॉफ्टवेयर में पांच जगहों पे, दस जगहों पे, जितनी भी जगहों पे आपको शक है कि यहाँ पे इशू मुमकिन एक है, जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल जहाँ पे डिफाइन किया है, जहाँ पे उसको वैल्यू असाइन किया है, या अगर किसी और वेरिएबल में उस वेरिएबल जो जिधर इशू आ रहा है उस वेरिएबल से वैल्यू रीड किया, यानी रीड राइट दोनों ऑपरेशन उस वेरिएबल के ऊपर, और फिर जहाँ पे
रिजल्ट आपने प्रिंट कराना है या स्टे कराना है उससे पहले कि ऐसे पॉइंट पे आप ब्रेक पॉइंट लेना देखो एग्जीक्यूशन होती है नॉर्मल एग्जीक्यूशन उसका तो साफ पूरा नॉर्मल जिस तरह चलना चाहिए वैसे रन इनटू डीप बग या कुछ इस तरह से ऑप्शन होगी तो उसमें ये होता है कि जो पहला ब्रेक पॉइंट है वहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन रुक जाती है तो आपकी एक इस तरह की डीप बग विंडो खुल जाएगी अगर वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं तो वो आपको शो कर रहा होगा किंतु बात कर आपको नॉर्मली भी इसमें वेरिएबल ऐड करना तो उस ब्रेक पॉइंट पे ये आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नॉर्मल स्टार्ट हुई और उस पॉइंट पे आके पास हो गई तो वहाँ पे आप वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिव्यू कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई तो चले आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसी गलती कोई नहीं है तो फिर इसमें उसको आगे जाने के स्टेप मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं इसमें एक किया कि वो एक एक लाइन की एग्जीक्यूशन है उसमें ये होता है कि जैसे जिस ब्रेक पॉइंट पे आपने उसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पास हुई है तो एक स्टेप वाली आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो वो फिर उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा तो इसमें साथ साथ आप वेरिएबल की वैल्यूज़ देखते जाएं अगर आपके डिस्प्ले आउटपुट विंडो भी आ रही है तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा एक एक जी तो मैं बात कर रहा था स्टेप इन एक स्टेप आप कर सकते हैं अच्छा एक इसमें ऑप्शन ऐसी भी आती है कि आप अगर जो बॉडी है यानी जहाँ पर क्लोज हो रही है वहाँ तक एग्जीक्यूशन ले जाएं स्टेप ओवर के नाम से उमूमन इस तरह की ऑप्शन का नाम होता है तो उससे फिर आप जिस मतलब इसमें थोड़ा सा आपको फंक्शन का अगर कंसेप्ट नहीं है तो थोड़ा सा इस पर आपको करना पड़ेगा ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं वो तो उसमें से स्टेप ओवर करेंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन जो भी ब्लॉक है उससे बाहर निकल आएगी तो और बिलफर्ज आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और उसमें स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप आप उसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और बीच में एक फंक्शन कॉल आ गई है तो उसमें अगर आप नॉर्मली उसको रन करेंगे तो वो ये करेगा कि आपके पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करके और फिर उससे नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल ले आएगा तो ये भी मुमकिन है कि जो फंक्शन का कोड है उसके अंदर कहीं पे इशू था तो जब आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट फंक्शन की आए इस तरह डिबगिंग करते हुए तो वहाँ पे आप स्टेप इनटू की जो ऑप्शन आती है ना डिबग मेन्यू में आपको उस पर क्लिक करना चाहिए उसमें ये होगा कि ये कंट्रोल मूव होके उस फंक्शंस के जो पहली स्टेटमेंट है वहाँ पे ले जाएगा तो फिर आप वहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू रिव्यू कर सकते हैं और सो ऑन और उसकी फंक्शन की बॉडी जब क्लोज होगी वहाँ से वापस ये फंक्शन कॉल जहाँ पे थी उस स्टेटमेंट ये उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल ले आएगा तो इस तरह पूरे फंक्शन के कोड को भी आप रिव्यू कर लेंगे तो इसमें जो स्टेप ओवर की ऑप्शन होती है डिबग मेन्यू में उससे वो करता है कि फंक्शन की जो डिटेल्ड एग्जीक्यूशन है उसमें नहीं जाता है पूरे फंक्शन को प्रोसेस करके
वापस कंट्रोल ले आता है, एक एक लाइन वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलाता है। तो ये चीज़ काफ़ी टाइम टेकिंग होती है इस तरह डिबग करना, लेकिन आप देखें कि जब एक चीज़ रिज़ल्ट नहीं दे रही सही, तो इसका साफ मतलब यह है कि कोई ना कोई उसमें गलती है साफ करना, तो उसको फिक्स आप ही नहीं करना है। तो चलें, ये तो जो कंपाइल लैंग्वेजेस हैं उसमें तरीका है, और ये जो कंपाइल लैंग्वेजेस हैं उसमें डीबगिंग करनी आसान है। तो पहले तो आपको थोड़ा सा मैं ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के बारे में भी बता दूं कि इसमें सॉफ्टवेयर आप कोड लिखते हैं और कंपाइल की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो फिर आगे जाके आप उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं। तो दूसरी हमारे पास लैंग्वेजेस की टाइप होती है इंटरप्रेटेड, तो उसमें सोर्स कोड आपका ओरिजिनल हालत में रहता है और वो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है। जैसे बेसिक लैंग्वेज है GW बेसिक, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह सर्वर साइड की अक्सर लैंग्वेजेस जैसे PHP है, ये भी इंटरप्रेटर इसका होता है, जो सॉफ्टवेयर लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन करता है उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं उसका एक बेनिफिट तो ये होता है कि उसकी एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर जो है उसकी वो स्पीडी होती है, और इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेजेस हैं इंटरप्रेटर की, इनकी प्रोसेसिंग अमूमन स्लो होती है। अब एक और जो मशहूर लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर यूज़ करती है वो पाइथन है, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है बहुत सारे कामों के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी। तो होता ही है कि जो इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेजेस हैं ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी, हम जो अभी रिसेंट ईयर्स हैं इसमें हम देखते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। अगर हम सर्वर साइड पे देखें तो आपको PHP लैंग्वेज छाई हुई नज़र आती है। बहरहाल उसके अलावा भी अब लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड पे, और ज़्यादातर जो इंटरप्रेटेड ही है। और अगर डेस्कटॉप साइड पे आएँ तो इसमें आपको नज़र आएगी पाइथन इसमें काम हो रहा है, और जावास्क्रिप्ट में भी बहुत काम हो रहा है, ये भी इंटरप्रेटेड है, और इसमें सर्वर साइड पे भी काम हो रहा है, जैसे Node.js टेक्नोलॉजी है, और जो वेब टेक्नोलॉजीज हैं उसमें जो क्लाइंट साइड है उसमें तो ब्राउज़र आपको ये सहूलत देता है कि वो जावास्क्रिप्ट को प्रोसेस करता है। तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, इनको डीबग करना कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की नस्बत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे एरर्स, जिस तरह आप कंपाइल्ड जब करते हैं सॉफ्टवेयर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में, तो वो बहुत सारे एरर्स आपको वहीं पे पता लग जाती हैं, वार्निंग्स एरर्स, और उसमें आपको सेपरेट ऑप्शन मिलती है कंपाइल करें और उसको एग्जीक्यूट करें। तो इसमें क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, इसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, तो इसमें ये एक लिहाज से प्रोग्राम की वो प्रोसेस भी एक ही शॉट में ये कर रहा होता है, प्रोसेस भी कर रहा है और साथ ही एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन बाय लाइन। तो इसमें फिर हम जो सॉफ्टवेयर अगर डीबग करना है तो उसके लिए फिर कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं।
क्योंकि मेरे जो ज़्यादा डेवलपमेंट का मैं काम करता हूँ वो मेरा PHP में होता है। वैसे कोर्स वर्क में तो मैंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, कोबोल से लेके C++, जावा, असेंबली। तो लेकिन अभी जो मैं प्रोफेशनल वर्क कर रहा हूँ वो PHP के अंदर कर रहा हूँ। इसके भी एक फ्रेमवर्क है कि एक PHP उसमें डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो इसमें एक तो ये कि आपको इनेबल करनी चाहिए एरर रिपोर्टिंग, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन नहीं होती है, या कोई बहुत सीवियर एरर होता है तो तब आपको वो नज़र आती है। तो आपको चाहिए कि एरर रिपोर्टिंग में जाके जो ऑल एरर्स है वो शो कर दें। तो आपकी अगर PHP के अलावा कोई और लैंग्वेज है तो उसमें आप सर्च कर लें एरर रिपोर्टिंग, ऑल एरर्स को किस तरह ऑन करना है। उस पर यह है कि फिर आपको वार्निंग्स और इस तरह छोटी चीज़ें भी साथ में पता लगती हैं, जिस तरह कुछ चीज़ें टूल्स ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने लगे होते हैं, यानी नेक्स्ट वर्जन्स में मेजर वर्जन जब भी आएगा उनको ख़त्म कर दिया जाना है, डुप्लीकेटेड हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उसमें बेहतर यह है कि आप उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी नेक्स्ट मेजर रिलीज़ आएगी तो ये चीज़ें या फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको उसके अल्टरनेट फंक्शंस बताए गए होंगे, तो आप कोशिश करें कि उन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाएं। तो चलें, इसमें एक तो चीज़ ये है कि एरर रिपोर्टिंग आप ऑन कर दें, और दूसरी एक छोटी सी टेक्निक है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मैं ये करता हूँ कि फंक्शन के स्टार्ट के बॉडी यानी जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ पे, और जहाँ पे आपके फंक्शन की बॉडी क्लोज होती है वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले करा देता हूँ। ये बहुत सादा सी टेक्निक है और बहुत इफ़ेक्टिव है, यानी जिधर भी आपको लग रहा है कि इशू है वहाँ पे स्टार्ट में और एंड में आप कुछ भी अपने अल्फाज डिस्प्ले करें। जैसे मैं अगर मिसाल देता हूँ, शुरू में आप डिस्प्ले करा दें 1 और आखिर में 2 करा दें, और इसको जब आप रन करेंगे और अगर आपके सॉफ्टवेयर में और कोई डिस्प्ले स्टेटमेंट नहीं है तो आपको 1 और 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाता है कि ये एग्जीक्यूशन ठीक कर रहा है, एटलीस्ट ये स्टार्ट से लेके आखिर तक उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। बाज़कर बीच में किसी जगह पे इशू होता है जिसकी वजह से आपको नीचे तक वो एग्जीक्यूशन नहीं जा रही होती। तो ये अच्छी एक टेक्निक है। तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको बीच में 10 जगहों पे शक है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन आके रुक रही है और कोई एरर भी नहीं आ रहा, तो आप इसी तरह ऊपर से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक या जितने भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो प्रिंट करा लें और एग्जीक्यूशन करें। काउंटिंग आपको अपनी वाली पूरी मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन बाज़ार ठीक चल रही है। अच्छा, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में क्योंकि वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस वाले फ़ायदे नहीं होते हैं डिबगिंग में, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज़ देखने के लिए आप मैन्युअली जिस जिस जगह पे इश्यूज आपको लगता है कि हैं वहाँ पे आप वैल्यूज़ डिस्प्ले करा दें। जो जो वेरिएबल्स रिलेटेड वेरिएबल्स हैं और जिस जिस जगह पे आपको लगता है मसला है, तो वहाँ वहाँ पे आप उसको
प्रिंट कर दें। तो ये भी बहुत सादा सी एक चीज़ है, तो इसको आपको वेरीफाई हो रही हैं चीज़ें। जिस तरह ये मैं प्रोग्रामिंग सीरीज़ के शुरू जब की है इस पर बात कर लूँ, इसके शुरू में मैंने बात की थी कि आप डेवलपमेंट ऐसे करते हैं कि चीज़ें अपने आप को वेरीफाई करा करा के करते हैं। शुरू में हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएं, फिर थोड़ी सी डेवलपमेंट करें, फिर ख़ुद को चीज़ें दिखाएं, खुद ही आउटपुट कराएं, भले बाद में आप उनको कोड में से निकाल दें या उसको कमेंट कर दें। तो ये वेरीफाई आप अपने आप को करा रहे हैं। फिर उसमें ये होता है कि आपकी जितनी डेवलपमेंट हो चुकी होती है वो टेस्टेड होती है, वो सब ठीक चल रही है। और जो भी आप नई चीज़ डेवलप करते हैं आपको पता होता है कि अगर कोई इशू है तो इसी में है इशू, क्योंकि उससे पहले तो सारा काम ठीक चल रहा। इसमें भी इस तरह मैं कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, जिधर जिधर आपको लगता है कि इश्यूज हैं वहाँ वहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल वो आप इस्तेमाल करके चीज़ें अपनी वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब आप इस तरह डिटेल में चीज़ें वेरीफाई करते हैं तो बहरहाल आपको इश्यूज मिल जाते हैं कि जो आपके कोड में कुछ चीज़ आपने मिस की होती है, कहीं पे आप वेरिएबल का नाम गलती से दूसरा लिख जाते हैं, सोच रहे आप दूसरा होते हैं। अब जिस तरह कल से मराजिया की जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्योंकि ज़बानी कलामी बात कर रहा था और वो स्टेरिक वाले जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रोग्राम बनाते हैं उसके बारे में बात कर रहा था, तो उसमें अब अपने हिसाब से मैंने डेवलपमेंट सही बता रहा था, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि इसकी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसकी आउटपुट पहले वाली प्रोग्राम को फ्लिप करने से जो बनती है वो है, तो वो बात मैं गलत कर रहा था। वो हालांकि एक और एग्जांपल थी वो उसके, तो इस तरह डेवलपमेंट में भी करते करते ये होता है कि आप सोच रहे कुछ और होते हैं, वेरिएबल का नाम आप जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखते, गलत लिखते हैं। तो इसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में तो कोई एरर नहीं आएगी, ना ही कोई वार्निंग आएगी। अब आपने कोई फर्ज वेरिएबल ए लिखना था, आप गलती से बी लिख देते हैं, तो ये चीज़ आप साथ साथ फिर डिबग करते हुए चेक करें। अच्छा, एक इसमें इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में एक और इशू है, उसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, क्योंकि इसमें ये इशू हमें भी तंग करता है, यानी जो सीनियर डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको भी। तो उसमें जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें उसको बोलते हैं टाइप सेफ, आप उसमें पहले वेरिएबल को आपने बनाना होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर आप वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आपने उसकी टाइप बतानी होती है, ये इंटीजर वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, जैसा भी है, करेक्टर है या डेट टाइम है, तो वो आपको शुरू में ही उन्होंने बताना होता है, या जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर वहाँ पे आप बताते हैं। तो ये जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं इसमें अक्सर में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अब इसका मैं एक बहुत बड़ा नुकसान बताता हूँ कि इसमें बिलफरज आपने वेरिएबल आपने एक रखा हुआ है var1 मिसाल के तौर पे, तो आप गलती से डबल वन आपसे लिखा जाता है उधर, आपने लिखना था var1 ही लिखना था लेकिन गलती से उधर
वन आपसे दो दफ़ा टाइप हो गया। तो प्रोग्राम आप चलाएंगे तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा। अगर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती तो वो आपसे फौरन कहता है कि जो VAR11 इस नाम से तो कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते डिक्लेयर करेगा। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं होता, तो फिर आपको इस चीज़ का ख़ुद से ख्याल रखना होता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको एरर शो हो रहा है तो उस एरर को आप लाइन, सबसे पहले तो उस लाइन पे फोकस करें। लेकिन पहले जैसे मैंने आप कहा था कि ज़हन में आप रखें कि उससे ऊपर लाइन में भी इशू हो सकता है और वो नीचे वाली एरर लाइन में शो कर रहा है, पहले तो आप उसी लाइन पे ध्यान से एरर मैसेज पढ़ें, समझ आता है तो उसको फिक्स करने की कोशिश करें। अगर आप उसको ट्रेस कर लेते हैं या उसके ऊपर वाली लाइंस में है तो तब भी आप देख लें, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही एरर तो जो भी उसकी कोड है या वैल्यू है उसको आप सर्च करें नेट पे, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन समझने की कोशिश करें, आपको इशू समझ आएगा कि है क्या इशू, तो फिर ही आप उसको फिक्स कर सकेंगे। तो शुरू में तो हो सकता है आपको किसी एक इशू का भी नहीं पता, जिस तरह के नए डेवलपर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप के मालूमात बढ़ती जाएंगी तो फिर खुद बखुद आपके सामने तो खुद बखुद आपको इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पता लग जाएंगे। तो इस तरह फिर आपकी डिबगिंग स्किल भी बेहतर होती जाएगी। और फिर तो बाद में तो ये है कि आपकी ये स्पीड अप हो जाती है स्पीड प्रोसेस ना, कि आप जल्दी से डिबगिंग कर लेते हैं। तो ये मेरी बात आप बेशक लिख लें, अगर आप डिबगिंग अगर आपको सही नहीं आती तो आप डेवलपमेंट में आगे नहीं जा सकते हैं। आप सोचें बिलफर्ज कि आपके प्रोग्राम आप डेवलप कर रहे हैं उसमें कोई इशू आ गया और इशू आप खुद उसको ट्रेस नहीं कर सक रहे, आपको बंदा चाहिए कोई, गलती आपने की है, कहीं ना कहीं कोड में गलती है। अगर रिज़ल्ट गलत आ रहा है तो 100% कन्फर्म बात है कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो बंदा आपको कोई और चाहिए फिक्स करने के लिए, फिर आप तो कामयाब प्रोग्रामर नहीं हुए। तो इसलिए इस स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। और जिस तरह पिछली चंद वीडियोज़ में मैंने ड्राई रन की बात की थी, वो तो चलें शुरू के दिनों में उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन बाद में तो जिस तरह मैंने बताया कि अगर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है तो उसमें ये ड्राई रन टाइप ये चीज़ है जो ब्रेक पॉइंट्स आप बनाते हैं और एक एक स्टेप उसकी एग्जीक्यूशन करा सकते हैं और साथ वेरिएबल की वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो आप मैनुअली ड्राई रन करते हैं पेपर के ऊपर एक एक लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपको IDE में सहूलत मिल रही है, तो इस सहूलत से फिर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस पे चंद जो इश्यूज़ आते हैं प्रोग्रामिंग में उस पे भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि अगर जितने मुमकिन इश्यूज़ आते हैं वो अगर आपको पता हैं तो आप चीज़ों को जल्दी फिक्स कर सकते हैं और आप वो गलतियाँ भी फिर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इस चीज़ का ये इशू आता है। अच्छा, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, C#, PHP और भी लैंग्वेजेस होंगी, उसमें वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना और
कंपैरिजन करने का जो ऑपरेटर है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इस चीज़ को भी यार आप मिक्सअप कर देते हैं ना तो आपका प्रोग्राम गलत रिज़ल्ट देगा। यानी वैल्यू असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल इस्तेमाल होता है और डबल इक्वल इक्विलिटी चेक करने के लिए कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यूज़ की इक्विलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल टू इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और ये गलती आप कहाँ पे करते हैं कि जहाँ पे इक्वलिटी चेक कर रहे हैं वहाँ पे आप सिंगल इक्वल लिख देते हैं, तो बज़ाहिर उसमें कोई आपको एरर नज़र नहीं आएगा। लेकिन होगा क्या कि जब सिंगल इक्वल आप डालते हैं, मिसाल के तौर पे वेरिएबल था वी इक्वल टू 10, आपने इक्वलिटी चेक करनी थी कि वी 10 के इक्वल तो नहीं है, तो उसके लिए लिखना चाहिए था आपको डबल इक्वल टू, लेकिन आपने सिंगल इक्वल लिखा। तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी कि ये हमेशा ट्रू उसको मिलेगा, वो कैसे, जहाँ पे आपकी कंडीशन चेक हो रही है, वाइल के अंदर है या फॉर के अंदर भी जो कंडीशन चेक होती है। तो अब उसमें देखें इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी कि क्योंकि सिंगल इक्वल लगा हुआ है तो वो ये करेगा 10 की वैल्यू वी के अंदर स्टोर कर देगा। तो आपको पता है कि जब कंडीशन चेक होती है तो वो उसको या तो ट्रू फॉल्स मिलता है या ज़ीरो वैल्यू मिले तो उसको वो फॉल्स के तौर पे लेता है और नॉन ज़ीरो वैल्यू मिले तो उसको ट्रू के तौर पे लेता है। तो वी के अंदर 10 है तो उसको वैल्यू ट्रू मिल रही है, इसका मतलब यह है कि ये लूप को हमेशा यहाँ पर ट्रू मिलेगा, क्योंकि जब भी फिर नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी फिर वो वैल्यू असाइन करेगा 10 ट्रू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंडीशन में इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल टू ये वेरीफाई करना चाहिए। अब ये छोटी सी मिस्टेक है लेकिन इससे आपके ना प्रोग्राम के रिज़ल्ट ठीक नहीं आएंगे और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे ये इशू है किधर। तो आप ये बेशक लिस्ट आप लिस्ट ऑन करते जाएं, ये ही मुमकिन इश्यूज आते हैं। अच्छा, आप ये जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कंपाइल्ड, उनमें एक पॉइंटर का कंसेप्ट है, तो उसमें एंड साइन जब आपने एड्रेस पास करना होता है तो उसके लिए एंड साइन इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप भूल जाते हैं एंड साइन नहीं डालते फिर तो सिंपली वैल्यू उसमें चली जाएगी जो कि गलत है। फिर इसी तरह जब पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू आपको जहाँ पे चाहिए होती है उसके लिए स्टैरिक इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉइंटर वेरिएबल का सिर्फ नाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो एड्रेस उसके अंदर स्टोर है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, यानी जिसकी वैल्यू का आपने पॉइंटर बनाया है, तो उस वैल्यू के एड्रेस को वो पॉइंट करता है। तो सिंपल अगर उसको आप स्टैरिक के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो वो एड्रेस प्रिंट करेगा या स्टोर करेगा किसी भी जगह। तो इस तरह ये गलती हो जाती है। तो पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू चाहिए तो फिर आप स्टैरिक इस्तेमाल लाजमी करें याद से। अच्छा, एंड साइन के हवाले से मैं एक आपसे बात शेयर करता हूँ और टाइम भी तकरीबन 5-1 मिनट रिकॉर्डिंग के 5-6 मिनट रह गए, तो हमारी ये रिकॉर्डिंग तकरीबन 1 घंटा होती है। मैं भी अभी घर की तरफ वापसी के सफ़र पे, तो चले मैं बात आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे एक
सॉफ्टवेयर, PHP बेस्ड एक सॉफ्टवेयर आया मेरे पास, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर सेटअप नहीं हो रहा था। तो PHP का जो सॉफ्टवेयर अगर बना हुआ है PHP बेस्ड, इसको अमूमन सेटअप करना काफ़ी आसान होता है। तो आप सिर्फ फाइल्स जो हैं कोड की फाइल्स कॉपी पेस्ट करते हैं, और अगर इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल है तो उसमें डेटाबेस डिटेल्स चेंज करते हैं, और डेटाबेस ज़ाहरी बात है आपने पहले से बनाई होती है, इंपोर्ट आपने डाटा कर लिया है, तो सॉफ्टवेयर आराम से सेटअप हो जाता है। तो उसमें वो कंपनी में पहले और भी खुद भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सेटअप नहीं हो रहा था। यानी जो क्लाइंट्स थे उन्होंने खुद ही कुछ कोशिश करते रहे लेकिन सेटअप नहीं हो सका। तो फिर मेरे पास डेवलपर के पास उन्होंने भेज दिया, तो मैंने भी चेक किया तो बज़ाहिर कोई एरर रिपोर्टिंग में कुछ चीज़ नहीं आ रही। अच्छा, एरर रिपोर्टिंग एक तो मैंने आपको बताया ना पीछे कि ऑन करते हैं, उसके अलावा एरर लॉगिंग भी एक चीज़ होती है। तो अगर आप PHP लैंग्वेज है तो उसके आप सर्वर पे जहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई है वहाँ पे आप चेक करें कि ये इसकी लॉग्स किधर मेंटेन हो रही हैं, उसको रीड करने से भी फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी डेटाबेस कोई इस्तेमाल हो रही है उसकी लॉग्स देखने से भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बात चीज़ें वहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही होती है तो आपको फ़ायदा हो जाता है कि ये इशू आ रहा है। तो चले वापस मैं आता हूँ कि उसमें मुझे बज़ाहिर कोई एरर नहीं मिल रहा था। अच्छा, इत्तेफाक़ की बात है कि ये जब मेरे पास सॉफ्टवेयर आया उससे चंद दिन पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो एक PHP का फंक्शन है वो उसमें एंड साइन जो है ना, पुराने वर्जन्स में वहाँ पे एंड साइन लिखा जाता था वेरिएबल के नाम से पहले, यानी कि उसका एड्रेस पास किया जाता था। लेकिन सामने लेकिन बाद में जो वर्जन आए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो PHP 4 में डेवलप हुआ था सॉफ्टवेयर, तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेटअप कर रहे थे PHP 5 पे। तो PHP 5 में वो एंड साइन नहीं डालना था। तो इस तरह एक करेक्टर की वजह से इतना बड़ा मतलब इशू था कि वो सेटअप नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये कि आपके पास अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो पहले किसी और सर्वर पे था, तो इस बात का इम्कान है कि सर्वर के वर्जन का इशू हो। तो उसका फिर ये हल है कि आप कंफर्म करें कि ये पहले किस सर्वर पे था। अगर तो आपको पता लग जाता है तो फिर तो सिंपली आप सर्च कर लें, मसलन PHP 4 को अगर आप PHP 5 पे शिफ्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं, तो अमूमन आपको एक लिस्ट मिल जाती है, आप सारी चीज़ें साथ साथ वेरीफाई कर लेते हैं कि जो भी मुमकिन इश्यूज़ होते हैं। तो बहरहाल ये टाइम टेकिंग जॉब होती है, डिबगिंग करना काफ़ी सर खपाना पड़ता है, फिर जाके आपको इशू का सिरा मिलता है। और ये भी आयन मुमकिन है कि कई घंटे लगा के, कई दिन लगा के आपने जो चेंज किया वो सिर्फ़ एक करेक्टर को रिमूव किया है और आपका सॉफ्टवेयर फिक्स हो गया है। तो मेरे ख्याल है मैंने प्रोग्रामिंग के हवाले से काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। पीछे भी तकरीबन 3 वीडियोस के ऊपर बात की है, आप वो वाले वीडियोस भी ज़रूर चेक करें। और मज़ीद फिर अगर कोई मेरे जहन में बात आती है तो फिर भी मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह वही है कि
मैंने बहुत से लोगों के साथ ये इशू देखा है, इस वजह से इसको मैंने इसमें ख़ास तौर पर रखा हुआ है। इस चीज़ के ऊपर मैं लाजमी बात करूँ। तो अभी कोई इस तरह बाकायदा तय नहीं किया हुआ कि किस चीज़ पे रिकॉर्डिंग मज़ीद करनी है, लेकिन देखें अगर आप के जहन में समझते हैं कि किसी चीज़ पे आप कहते हैं कि इस पर रिकॉर्डिंग करूँ तो आप कमेंट में बताएं। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो मैं फिर अभी इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। तो अभी आप ने ये करना है कि आपके जो दोस्त रिश्तेदार जो भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं लेकिन फिर भी उनको इश्यूज हैं, तो ये वीडियो के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और वीडियो के बारे में कोई भी बात करनी है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। एट द एंड आई विल से डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ दिस वीडियो इज वर्दी, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ टू इम्प्रूव इट। थैंक यू, हैव अ गुड डे and goodbye.